नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। जनता दरबार में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं सांगने, परशुराम जयंती यहां बनाई जा रही है। अभी हम आपको बताते हैं यहां पे आगे क्या क्या होने वाला है। स्वरूप लेकर हमारे विराजमान अवधेशाचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम। आज जो प्रोग्राम किया गया है परशुराम जयंती की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो भगवान परशुराम महोत्सव पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के आज जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके एक बहुत शानदार कार्यक्रम किया जा रहा है, महोत्सव किया जा रहा है। इसमें सभी समाजों के सभी प्रमुख लोग उपस्थित हैं। महिलाओं की भारी संख्या है, पुरुषों की, स्त्रियों की और बच्चों की। बड़ा अच्छा, एक बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। और इसी उपलक्ष्य में अपन ये आज का, मैंने देखा है भगवान के रूप में भी काफ़ी लोग गए यहाँ पे बन बन के, उनको बनाया गया जो है। ये भगवान का आज जन्मोत्सव है, इसमें सारा समाज एक खुशी और उत्साह के रूप में मना रहा है। जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, ऐसे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। तो ये अलग अलग रूपों में बनना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है समाज की। बहुत अच्छे आज संदेश गया है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा माहौल है। सांगानेर प्रताप नगर की सांगा बाबा की धरती पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये यात्रा भी यहाँ से कहाँ जाएगी? ये यात्रा यहाँ से निकलते हुए सीटीएस बस स्टैंड, जिसको सांगा बाबा सर्किल कहते हैं, वहाँ जा करके समापन होगा इसका। आज परशुराम जयंती महोत्सव सांगानेर में मनाया जा रहा है। विशाल शोभा यात्रा का आयोजन है, बहुत हर्षोल्लास के साथ में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। महिलाएं और पुरुष हजारों की तादाद में जो है, आप देख रहे हो कारवा, बहुत हर्ष है। मतलब पूरे जो है कि नहीं, सांगानेर में एक हर्ष की लहर है और ब्राह्मण समाज के लोग जो है कि नहीं, यहाँ सारे ब्राह्मणी आए हुए हैं या सब हिंदुत्व आए हुए हैं? समाज सर्व सर्व लोग आए हुए हैं। यस, सब सर ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ आज ब्राह्मण समाज का हुआ है। नहीं नहीं, आह्वान सर्व समाज का है। ये प्रोग्राम किसने आयोजित किया है? अब इसमें सब मिलकर के हैं, लेकिन विशेष रूप से गोपाल जी शर्मा जो महानगर टाइम्स से हैं, उनकी देन है। गोपाल जी ने करवाया है पूरा। ये जन्मोत्सव है और आज इस उपलक्ष्य में यहाँ गोपाल जी के द्वारा जो इस तरह का सर्व ब्राह्मण समाज को, उसके अलावा जितने अन्य समाज हैं उन सबको भी यहाँ एकत्रित किया गया। एक बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा हुआ है। ब्राह्मण जो है वो सदैव शरीर के जैसे मुख होता है, ऐसे ब्राह्मण है, और वो सारी व्यवस्था को चलाने वाला, सब लोगों को ज्ञान के मार्ग पर ले जाने वाला ब्राह्मण है, और वो एक पिता की तरह सबको संचालित करता रहा पूरे समाज को। आवश्यकता पड़ने पर जैसे पिता अपने बच्चों को डांटता है, ऐसे कभी कभी वो बड़ा कड़ा रुख भी अपनाता है, लेकिन ब्राह्मण सदैव पूरे समाज का हित सोचने वाला, पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का हित सोचने वाला है। जैसा कि मैंने देखा है आज यहाँ पे सारे हिंदू तो आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के लिए तो आवश्यक है, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, तो सब लोगों का रहना बहुत अच्छी बात है इस अवसर पर। धन्यवाद सर। मैं इस कार्यक्रम के लिए गोपाल जी को बधाई देता हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में दो शब्द बताएं। देखिए, आज भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य पर इतनी सुंदर सर्व समाज की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। महिलाओं का देखिए कितना उत्साह नजर आ रहा है इसमें। और भगवान श्री परशुराम जी की असली शिक्षा यही है कि सभी समाजों को एक साथ में आना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के लिए आना चाहिए, स्वाभिमान के साथ में आना चाहिए और सब सम्मान के साथ में जीना सिखाया है उन्होंने।